गाइस तो कैसे हो आप लोग। मैं मनीष सिंह, आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया, तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो आज का जो सबसे पहला सबसे बड़ा अपडेट है वो है IFBB प्रो सुपर सैम की तरफ से। रिसेंटली गाइज उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर कराया। गाइज आप लोग देख सकते हो ये इनका करंट कंडीशन है। कंडीशनिंग की बात करें गाइज तो रियली बताऊँ बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। वैसे इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा, बट मैं आपको पहले ही बता दूं ये दिल्ली वाले प्रो शो में जरूर कॉम्पीट करेंगे। जिस तरीके से इनका कंडीशन जो दिख रहा है बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहा है गाइज। तो देख सकते हो शोल्डर में फाइबर बिल्कुल ऑन पॉइंट, साइज भी इनके पास है, कंडीशनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हिट करके उन्होंने स्टेज आते गाइज। तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे यदि बिलाल भुवन चौहान आते तो क्या उनको ये टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं, व्हाटएवर जो सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है मनोज पाटिल की तरफ से गाइज। तो रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने भी अपना एक अपडेट शेयर कराया गाइज। ये इनका करंट कंडीशन है। कंडीशन की बात करें गाइज तो देखो कंडीशन अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं। लास्ट टाइम और इस बार का देखें तो वो थोड़ा और भी हमें डिटेल में पता चलेगा ऑन स्टेज। वैसे मैं बताऊं तो मतलब कम्प्लीटली बोलूंगा जो एक आना चाहिए अपडेट वो नहीं फिलहाल आया अभी मनोज पाटिल की तरफ से, बट जो आया उसके अनुसार देख सकते हो कि कंडीशन बढ़िया लग रहा है। इनके पास साइज भी है और बैक तो बहुत इनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, मिड सेक्शन बहुत शार्प प्ले कराते हैं ऑन स्टेज। तो हम लोग बस एक होप करेंगे मनोज पाटिल अपना ना बेस्ट पैकेज लेकर ऑन स्टेज आए। एंड लेट्स सी गाइस देखते हैं क्या होता है। बाय द वे आप लोग कमेंट कर बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है मनोज तंगरपानी की तरफ से गाइस। रिसेंटली उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा गाइस एंड आप लोग देख सकते हो ये इनका करंट कंडीशन है। कंडीशनिंग की बात करेंगे तो रियली बताओ बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना थोड़ा इनका एज अ कंपेरिजन टू अपर और लोअर बॉडी की भी बात करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस लगता है। इनका लोअर बॉडी में और भी मसल मास, लेग्स में और भी मसल मास होना चाहिए एज अ कंपेरिजन टू अपर बॉडी। अपर बॉडी इनका बहुत अच्छा है, बहुत हैवी है, तो उस अनुसार यदि बात करेंगे तो लोअर बॉडी में भी थोड़ा सा और भी गुड क्वालिटी मसल मास चाहिए गाइस। तो आप लोग कमेंट कर बताना क्या क्लासिक फिजिक्स इस बार ये जा सकते हैं ओलंपिया के लिए या फिर नहीं, व्हाटएवर सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है दीपक नंदा इंडियन रॉक की तरफ से गाइस। रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर कराया एंड गाइस इसमें देख सकते हो इनके पास साइज बहुत ही ज़्यादा मैसेसिव लुक है और कहीं ना कहीं कंडीशन भी बहुत अच्छा लेकर आएंगे इस बार इंडियन रॉक। और इस बार जो राइवलरी क्लासिक फिजिक में होगा मनोज तंगरपानी वर्सेस इंडियन रॉक गाइस, तो आप लोगों को क्या लगता है इस राइवलरी को कौन जीतने जा रहा है, क्योंकि दोनों एथलीट्स का कंडीशन बहुत बढ़िया है एंड पोजिंग वाइज यदि कहूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं इंडियन रॉक का पोजिंग। तो गाइज आप लोग कॉमेंट कर बताना कि इस बार क्लासिक फिजिक से इंडिया के लिए कौन क्वालिफाई कर रहा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका तरुण की तरफ से। रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो शेयर करा था, आप इस वीडियो को देखना है। तरुण के बारे में आप लोग क्या सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं खा रहा हूँ पास्ता। अब कई लोग बोलेंगे पास्ता पास्ता खाने से कैसे बॉडी बनती है। यार तुम्हें ना मैं एक बात बताता हूँ, पहली बात तो मैं कभी उबला हुआ नहीं खा सकता। उबला हुआ खाना मरीजों के लिए। दिस इज वॉट आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ पास्ता। मरीज जो हस्पताल में होते हैं, मैं बॉडी बिल्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनका कॉम्पिटिशन है, वो खेलो तुम खाओ। बट माई थिंग इज आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई लाइफ। मैं वर्कआउट के बाद पास्ता खाता हूँ, इसमें चिकन है जिससे मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, इसमें क्रीम है और इसमें ढेर सारा मैदा है विच इज इन द फॉर्म ऑफ पास्ता। आपका गोल अगर बॉडी बनाना है, मसल पैक ऑन करना है, फूड जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फूड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रेनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग ख़राब है, अगर आपको पता ही नहीं आपको मसल को कैसे स्टिमुलेट करना है, आप कुछ भी खा लो, उबला हुआ खा लो, प्रोटीन खा लो, शेक्स पी लो, कुछ नहीं होने वाला भाई। आई फोकस ऑन माई ट्रेनिंग विच अलाउज मी टू ईट एनीथिंग। मैं कुछ भी खा सकता हूँ यार, मैं कुछ भी खा लूँ, KFC, मैगी, पास्ता। तो फोकस ऑन योर ट्रेनिंग। जितने भी जो ज्ञानी बाबा है ना वो टेल यू कि आपको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, आज हम बात करेंगे इसके बारे में, उसके बारे में, दे डोंट नो जैक शिट मैन, नथिंग, सब कुछ खाओ। गाइज जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से गाइज। तो उन्होंने कुछ टिप्स शेयर करा आप लोग के लिए, तो आप इस वीडियो को देखना। गुरुजी के बारे में आप लोग क्या सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अभी 5 वीक बाद है और आपके पास 4 हफ्ते का टाइम है काम करने का। जो एथलीट्स जिनका फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट में 9% या इससे कम, वो तो ऑन द ट्रैक हैं। आप बिल्कुल सही चल रहे हैं और अपना 4 हफ्ते के अंदर आपकी पीक आ भी जाएगी। लेकिन जो एथलीट अभी भी डबल डिजिट फैट में 10% या 13-14% के बीच में जिनका फैट है, उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा।
आप वॉल्यूम ट्रेनिंग करें, ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा सेट्स, ज़्यादा रेपिटेशन, रेस्ट टाइम कम रखें, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दें, फ्रूट्स आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हाई प्रोटीन डाइट, मॉडरेट हेल्दी फैट्स, कम से कम कार्ब्स, इस पे आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। और जिन एथलीट्स का अभी भी फैट परसेंटेज 14-15% या इससे ऊपर है, वो इस कंपटीशन में बस एक्सपीरियंस लें, कोशिश करें टॉप 15 में आने की या टॉप 10 में आने की, लेकिन पीक पे आने के लिए आपको कम से कम 8 हफ्ते चाहिए होंगे। अभी अगर आपका फैट परसेंटेज 15% या इससे ऊपर है तो इसके अकॉर्डिंग अपना काम करें। और मेरे भी 30-40 एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सभी अच्छी फॉर्म में हैं, देखते हैं। और भी पूरे हिंदुस्तान से एथलीट आएंगे, सब अपना बेस्ट लेके आते हैं, जो उस दिन बेस्ट होगा वो मेडल लेके आएगा, वो विनर होगा। गाइज तो आज के लिए बस इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड सॉरी फॉर लाइक लेट कर मीन्स बोल सकता हूँ, थोड़ा भी 2-4 दिनों से कुछ नहीं आ रहा था वीडियो, ड्यू टू मैं अभी जा रखा था दिल्ली एक अवार्ड सेरेमनी में। एंड आप लोग को मैं बताऊँगी संग्राम क्लासिक जो कि होने वाला जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में 21 तारीख को। गाइज तो मैं आप में से जो भी भाई वहाँ पर आओगे तो मैं मिलूँगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ उस शो को कवर करने के लिए। गाइज तो आप लोग भी आना जरूर। एंड आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब वीडियो आपका रेगुलर आएगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।